Audience, let us solve the examples on page number 16 of your NCIT book. But before that, let us discuss few things. What are cations? Cations are positively charged ions and they are smaller in size. You have to remember that cations are smaller in size in comparison to anions. Okay, anions are negatively charged and larger in size. We take the example of sodium chloride. In this, sodium is positive; it is cation. Chlorine is negative, chloride ion. This is anion. ion. Why chlorine is larger than sodium ion? Why Cr negative is larger than Na positive ion? Because sodium ion is formed by losing electrons from the outer shell, and chloride ion is formed by gaining electrons from the uh, gaining electrons in the outer shell. Okay, therefore, chlorine is large, and comparatively, sodium is smaller. So this was just an example to explain you. So you have to remember these things that cations are positively charged and smaller in size, and anions are negatively charged and they are in uh, they are larger in size. Another very important thing which you have to remember is cations occupy voids. Cations always voids mein hote hai. वो छोटे होते हैं तो वॉयड्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ अक्ट्रा हेडल में कर लेते हैं कुछ ट्रेक्ट्रा हेडल में कर लेते हैं ठीक है कहीं कहीं अनाइंस जो होते हैं वो लेटेस्ट पॉइंट्स पे रहते हैं हमेशा लेटेस्ट पॉइंट्स कौन से होते हैं आपको याद होगा कॉर्नर्स वाले जो आइटम्स हैं या बॉडी सेंटर में है या फेस सेंटर में है वो सारे जो हैं लेटेस्ट पॉइंट्स पर रहते हैं अनुंस बड़े होते हैं साइज में और कैटाइन छोटे होते हैं वो वर्ड्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इन एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन ऑन पेज नंबर सिक्सटीन ऑफ योर बुक इट इज़ गिवन दैट एक्स इज कैटाइन तो जैसे ही आपने को पता चला कि एक्स कैटाइन है इसका तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कैटाइन वर्ड्स में होगा और उन्हें मेंशन भी किया है कि जो एक्स है वो उसने सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर किए हुए हैं ठीक है और वाई है एन और y जो है वो लेटेस्ट पॉइंट पे होगा दैट इज़ अंडरस्टूड अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है तो कंपाउंड का जब हम फार्मूला बनाते हैं एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो आगे लिखते हैं और जो नेगेटिव होता है वो पीछे लिखते हैं जैसे यहाँ सोडियम पॉजिटिव है तो आगे एंड नेगेटिव क्लोरीन पीछे सोडियम क्लोराइड इसी तरीके से यहाँ पे आगे क्या रहेगा x और पीछे क्या आएगा y तो कंपाउंड एक सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो दिखाता है एलिमेंट्स की एटम्स की तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें कितने uh, वो हैं y सो लेट अज्यूम दैट नंबर ऑफ y इज इक्वल टू वन ये मतलब हमें फॉर्मूला बनाना है इसलिए हमने अज्यूम कर लिया हमने सिंपलेस्ट रेशो uh, चाहिए हमें तो हमने अज्यूम कर लिया कि वाई जो है वो वन है ठीक है तो वाई जो है वो लेटेस्ट पॉइंट्स पे हैं और उसकी अगर गिनती हमारे पास वन है हमने ये अज्यूम किया है ओके okay? सिंपल करने के लिए इसको तो अगर वाई वन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी वन होंगे ठीक है ना क्योंकि सेम रहते हैं इफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जितना होता है उतना ही ऑक्टाहीड्रल वर्ड्स होते हैं तो हमने जूम किया कि नंबर ऑफ वाई जो है वन है तो ऑक्टाहीडल वॉयस भी वन होंगे अगर ऑक्टाहीडल वॉय्स की गिनती एक है तो नंबर ऑफ केटाइंस भी एक होंगे क्योंकि दे आर फिलिंग ऑल द ऑक्टाहीड्रल वड्स जित उन्होंने इसका एजुक्शन में दिया गया है कि जित ऑक्टाहीडल वॉय्स को फिल किया हुआ केटाइनस ने सारे वॉय्स को इसका मतलब अगर ऑक्टाहीड्रल वड्स जो हैं वो उसका नंबर वन है तो कैटाइंस का नंबर भी वन होगा इसका मतलब वाई भी वन है एक्स भी वन है तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया एक्स वाई इज इट क्लियर इसमें बस रिज्यूम कर लेना है एक चीज़ जो आपको पता है और बाकी कैलकुलेशन से आ जाएगा वो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे ऑक्टाइडल वाइट्स दिया था कि सभी फिल हो रखे हैं तो इसलिए हमने वाई को भी वन ले लिया तो फॉर्मूला आ गया एक्स वाई इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर टू ऑन पेज नंबर सिक्सटीन उसमें जो दिया गया है दैट इज़ बी इज़ एन आइन बड़ा वाला एन आइन है लेटेस्ट पॉइंट्स पे है और ए के बारे में ये बताया गया है कि ए जो कैटाइन हैं दे फिल द टू फिल टू थर्ड ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स सारे नहीं सारे वर्ड्स को नहीं फिल करते केवल टू थर्ड को करते हैं ठीक है तो इसमें भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो वन है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे टू क्योंकि डबल होते हैं ठीक है नंबर ऑफ ए कितना होगा टू थर्ड ऑफ टू दैट इज़ इक्वल टू फोर बाई थ्री ठीक है क्योंकि दिया हुआ कि टू थर्ड ही फिल कर रहे हैं तो टोटल टेटहडल वर्ड्स टू हैं ट्वाइस होते हैं ना नंबर ऑफ एटम से तो टू है ए की गिनती कितनी हो जाएगी टू बाई थ्री ऑफ टू दैट इज़ फोर बाई थ्री ए आगे लिखेंगे बी पीछे तो क्या रेशो बन जाएगी ए इज़ टू बी जो है वो रेशो बन जाएगी फोर बाई थ्री इज़ टू वन दैट मीन्स इसको सिंपल करने के लिए थ्री और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कट जाएगा थ्री और थ्री ओके okay? और यहाँ पे भी थ्री से मल्टीप्लाई किया तो रेशो आ गई फोर इज़ टू थ्री ठीक है फोर इज़ टू थ्री दैट मीन्स ए इज़ फोर बी इज़ थ्री इज़ इज़ दिस क्लियर तो फॉर्मूला बना ए फोर बी थ्री ये पता चला कैसे बना ए फोर बी थ्री बहुत सिंपल है आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैटाइन कौन सा है एनाइन कौन सा है कहाँ लिखना है उसको और वॉइड्स की जो आपको ये दिया होगा उसके बारे में कि कौन से वॉइड्स को फिल कर रहा है कैटाइन और कितना फिल कर रहा है जैसे उस केस में पूरे ऑक्टोहेडर को कर रहा था इसलिए सेम था नंबर ऑफ वो कैटाइन और एनआन लेकिन यहाँ पे जो कैटाइन है वो टू थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉयस को कर रहा है तो हमने सिंपल करने के लिए एज्यूम किया कि नंबर ऑफ बी आइटम्स वन है नंबर ऑफ बी आइटम्स वन है तो टेट्राहेड्रल वॉय्स डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉय्स हमेशा डबल होते हैं हमने पढ़ा है तो वो टू होंगे तो ए कितने होंगे टू थर्ड ऑफ टू तो टू थर्ड ऑफ टू हो गया फोर बाई थ्री और रेशो निकालने के लिए फोर बाई थ्री इज़ टू वन तो सिंपल होल नंबर बनाने के लिए हम दोनों साइड को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री थ्री यहाँ कट हो गया यहाँ आया फोर यहाँ आ गया थ्री तो फोर इज टू तो थ्री रेशो आ गई तो कंपाउंड का फॉमूला हो गया फोर इज़ टू तो थ्री का हो गया। मतलब ए फोर बी थ्री ठीक है तो ये समझ आ गया ओके थैंक यू